नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल और मैं हूं अशोक तिवारी। इस वक्त अभी हम बिहिया नगर पंचायत में हैं और बिहिया नगर पंचायत में आज ज़बरदस्त तरीके से तमाम प्रत्याशियों ने, बहुत सारे प्रत्याशी आज नॉमिनेशन करने जा रहे हैं और जिसमें बहुत शानदार तरीके से सचू जी है के सचू जी के नाम से इनको लोग जानता है, सचिन गुप्ता है और ज़बरदस्त युवाओं का एक संगठन है इनके साथ और ज़बरदस्त तरीके से आज ये नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। क्या एजेंडा रहेगा, किस मुद्दे को लेकर चुनाव मैदान में है, क्या कहना चाहेंगे? पहली बात है कि मुद्दा तो सभी के साथ एक ही मुद्दा है यहाँ पे कि विकास हो, विकास विकास समझना पड़ेगा। विकास का जो असली अर्थ जो उनको बताना पड़ेगा, वो मायने लोगों को पता होनी चाहिए कि जिस तरीके से हमारे यहाँ ये देख सकते पहले भी क्या विकास हुआ सबको पता। मैं किसी के बारे में पर्टिकुलर कोई कटाक्ष नहीं बोलूँगा, लेकिन इतना कहूँगा कि विकास का सही मायने जिस तरह से विकास होना चाहिए, उस विकास के लिए हम लड़ने आए हैं। और बता रहा हूँ कि मैं सचिन को वादा करता हूँ, अगर इस बार हम जीत के आते हैं तो मात्र 5 नहीं मात्र 3 साल में बताऊँगा विकास कैसे होता है, सत्ता कैसे चलती है और नाली और गली कैसे ठीक होता है और योजनाएँ कैसे आती हैं। तो विकास क्या क्या लगता है, चूँकि जिस तरह अभी यदि बिहिया नगर पंचायत की बात करें तो बहुत सारे पुराने चेहरे भी अब की बार नॉमिनेशन कर रहे हैं, नए चेहरे के रूप में भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, इसमें अपने आप को आप कहाँ देख रहे हैं, क्या लगता है? मैं बताऊँ, परिवर्तन संसार का नियम है, हमारे पापा उनके पापा फिर पीछे, तो एक परिवर्तन बहुत ज़रूरी है समय समय पर। और मैं बताना चाहता हूँ कि हमेशा बदल रहा, तो मैं बताता हूँ पहले के जो चेहरे हैं उन्होंने क्या किया, मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, वो आपके सामने पड़ा हुआ, लोग बताएंगे, मैं क्यों बताऊं, मैं तो प्रत्याशी हूं, मैं जो बोलूंगा अच्छा ही बोलूंगा या अपने बारे में अच्छा बोलूँगा तो बुरा, तो ये नहीं है। मेरा मेन मुद्दा ये है कि आपने जो किया मुझे कोई लेना नहीं, मैं क्या करूँगा मैं अपने बारे में, मैं बस इतना जानता हूँ मुझे यहाँ का विकास करना, मैं यहाँ का बेटा हूँ, मैंने यहीं पर अपनी भले मैं पढ़ाई हमारी बाहर हुई लेकिन मेरे पुश्तैनी हमारी ये मकान है, मैं बिहिया का वासी, यूथ मेरे साथ हैं और मेरा एक ही मुद्दा है कि आप जात पात से ऊपर आइए, आप अपने जात पात और ये जो आप कह रहे हैं ना अमीरी गरीबी से बाहर आकर, नेता वही होता है जो समान लोगों एक समान देखे और यहाँ विकास करने में कोई जात कोई पात कोई बड़ा कुछ ना देखे, वो होता नहीं था। लेकिन मैं बताऊँ 15 सालों से हम बहुत ही तिरस्कार में हैं, अभी बताओ पिछली जस्ट अभी मतीन माई का रोड का पता कर ले जाके 32 महीने से वहाँ पानी था, किसी ने कुछ आवाज़ उठाई, हमारी टीम हमारे युवा साथियों ने मिलकर हमने वहाँ पर धरना दिया और हमने पहली बार ऐसा हुआ कि नगर पंचायत के कार्यपालक ने हमें लिखित दिया था कि ये नाली बनाएंगे और देखिए नाली बन रहा है, 32 महीने के बाद नाली बन रहा है और नाली बन के बहुत जल्द तैयार होगा और हमारे बिहारवासी उस गलीज वाले ज़िंदगी से बाहर आएंगे। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मैं दूंगा नहीं, आप पता करें हमारे खुद अपने में टूबने से क्या पता, जनता है हमारे साथ है और मुझे पूर्ण विश्वास है इस बार जो है दो ही सरकार बनेगी, बताएं आप बताएं मैं बताऊँ, दो सरकार बनेगी तो सबसे बड़ा जो झूठा उसका बनेगा सरकार या तो हम जैसे ईमानदारों का बनेगा, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईमानदार लोग और मेरे युवा साथी हैं जो मुझे वहाँ तक पहुँचाएंगा। उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ हमारे इस नकद में आप अपना दरवाज़ा खोल कर सो जाओ, अगर एक चोरी हुई तो मेरा नाम सचिव होता बदल देना। मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से यहाँ पर विकास होगा, जिस तरीके से यहाँ पर अपराध अपराधीकरण बढ़ा हुआ है, जिस तरह से बहुत सारे 2 नंबर के धंधे इस सब बंद होने वाले हैं और यहाँ पर एक रामराज आने वाला, रामराज का क्या मायने मैं बताऊँगा, मैं सचिव होता बताऊँगा लोगों को कि रामराज क्या होता है असल में। मैं सचिव आप देख रहे हैं सचू जी हैं, सचिन गुप्ता के इनका नाम है, सचू जी के नाम से यहाँ पे लोग जानते हैं इनको, जैसे कि इनका आत्मविश्वास है कि हमारे साथ पूरी यूथ है और यदि हम बिहिया नगर पंचायत में यहाँ की जनता ने मुझे जिताता है तो निश्चित तौर से यहाँ की जो रूपरेखा है निश्चित तौर से बदलूंगा और राम राज्य दिखाऊंगा कि क्या होता है। बहुत सारे युवा साथी इनके साथ है, क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार। क्या लगता है सचू जी का क्या स्थिति है यहाँ पर? ये बहुत बढ़िया, चुनाव जीत जाएंगे लगता तो है, जीत जाएंगे लगता है, लगता है। आपका परिचय क्या है? चंदीप कुमार यादव। क्या लगता है इनके बारे में? इनके बारे में लगता है चुनाव निकल रहा है, जीत रहे हैं जी। राजू कुमार बारे में मेरा नाम है, मैं रहता हूँ तो चुनाव निकल जाएंगे। गरीब आदमी के बहुत सहारा है, हर पोजीशन पर जब बुलाते हैं कुछ भी घटना होता है तो चले आते हैं। अब मथी माई का दुआ है, अब मखदूम बाबा का दुआ है कि यह सहारा हो जाएगा और जीत जाएंगे। अच्छा, क्या नाम है आपका? विकास यादव। क्या लगता है आपकी बार सचिन गुप्ता चुनाव जीतेंगे? एकदम जीत रहे हैं, जीत रहे हैं चुनाव इस बार, ठेला वालों के लिए किए हैं, जमीनी नेता हैं इस बार यही। क्या परिचय हुआ आपका? है? नाम क्या है? निरंजन कुमार। क्या लगता है सचू जी के बारे में क्या कहेंगे? हम कहना चाहते हैं इनका आपकी सरकार आ रहा है, जीतेंगे जीतेंगे, हाँ एकदम अच्छा काम। आप क्या कहेंगे? 500 वोट से जीतेंगे सचू चाचा, जीतेंगे सचू चाचा, जिंदाबाद 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 सचू चाचा, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक मिनट, क्या नाम है आपका? कृष्णा कुमार। अच्छा, आपके चाचा हैं इसलिए आपको जीतेंगे कि एकदम विश्वास? नहीं, एकदम जीतेंगे जीतेंगे। हाँ हाँ हाँ। कैसे जीतेंगे, क्या इन्होंने किया है? बहुत काम किए हैं, जैसे कटिया वोट मथिन मई में 36 महीना से कुछ नहीं बना था, वोट का विकास किए हैं काफी, माने स्टेशन पर कोई कट जाता है कोई गिर जाता है वहाँ बहुत सारा काम आम आदमी नहीं कर पाता है जो भी काम कर पाते हैं, सामाजिक कार्यों से जुड़े जुटे हैं।
क्या नाम हुआ आपका? मुन्ना कुमार। क्या लगता है क्या स्थिति है बिहिया नगर पंचायत? बढ़िया है, सचिव गुप्ता जीतेंगे, आज जरूर जीतेंगे। जाति की राजनीति नहीं हो ना? नहीं नहीं नहीं, ये है कि हर काम में आगे रहते हैं, जो काम नहीं होता वो करके दिखाते हैं। हाँ, ये मथी में दरबार है, हम निकलेंगे तो निकलेंगे। हाँ, चलिए, तो ये आप देख रहे हैं, ये तमाम युवा साथी हैं, इनके साथ है, और जिस तरह का इन लोगों में आत्मविश्वास ऐसा झलक रहा है कि नहीं, अब की बार चेयरमैन के रूप में सचिन गुप्ता जी ही आएंगे। हालांकि देखिए, ये जनता है और निश्चित तौर से जनता सब कुछ जानती है, जनता जिसको चाहे उसको हीरो बना दे, जिसको चाहे जीरो बना दे, ये तो वक्त वक्त की बात है। अब तो समय बताएगा कि चेयरमैन कौन बनेगा, लेकिन जिस तरह का एक जुनून है और जिस तरह का आत्मविश्वास है सचिव जी के प्रति इन तमाम युवाओं को, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि निश्चित तौर से बिहिया नगर पंचायत में कुछ ना कुछ नया तो जरूर होगा। तो देखते रहे समृद्धि न्यूज चैनल, इन लोगों के तमाम नॉमिनेशन की भी खबरों को दिखाते रहेंगे और कैसे क्या होता है आप लोगों को दिखाएंगे। कैमरा पर्सन मनु के साथ, थैंक यू।